कुशीनगर के सेवराही थाना अंतर्गत तामकुही और सेवराही मार्ग पर स्वर्ण व्यवसायी संजय वर्मा को बदमाशों ने गोली मारकर रुपया और जेवरात लूट लिया, साथ ही फरार भी हो गए। घायल व्यवसायी को सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र तामकुही ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। इस घटना के पूर्व भी बदमाशों ने कोंदई और तामकुही मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी को गोली मारकर बाइक लूट कर फरार हो गए। कुशीनगर जनपद के सेवराही थाना और तराई सुजान थाना बिहार बॉर्डर पर स्थित है, जिसके बावजूद भी अपराधी यूपी के प्रवेश करने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम देकर बिहार में प्रवेश कर जाते हैं। चोरी, लूट और हत्या का प्रयास और आपराधिक घटनाएं दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ते जा रहे हैं। घटना की जानकारी कस्बे के लोगों ने विधानसभा 331 के विधायक अजय कुमार लल्लू को दूरभाष के माध्यम से दे दी, जिसके बाद अजय कुमार लल्लू ने थोड़ा सा समय भी न गवाते हुए तुरंत के तुरंत सेवराही चौकी का घेराव कर धरने पर बैठ गए, जिसमें कि कस्बे के सारे व्यापारियों को भी समर्थन दिया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि प्रशासन को इसकी ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने प्रशासन को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर प्रशासन दारू छोड़ थोड़े कस्बे में हो रहे घटनाओं पर नजर रखे तो ये घटनाएं नहीं होंगी। प्रशासन सिर्फ शराब माफिया पर नजर जमाए है, जिसके कारण चोरी, हत्या, लूट और तमाम घटनाएं कस्बे के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं धरना को संबोधित करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर विश्वकर्मा ने घटना का खुलासा अगर आज देर रात ना हुआ तो कल पूरे कस्बे की दुकानें बंद कराने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा सुरक्षा का मुद्दा है। इसके लिए आम जनता का जीवन दांव पे लगा हुआ है, जिसके चलते वे बड़े पैमाने पर आंदोलन पर उतरेंगे। कारण तो यही था, मतलब कि रामू नाम का लड़का था जो 4-5 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में था, तो यहाँ पर मतलब वो शाम को 6 बजे उसको लेके गया अपने साथ, और उसके बाद वो उसका एक फ्रेंड, उसका नाम नहीं पता क्या नाम है उसका, उन्होंने उसके साथ गलत काम किया मे बी। उसके बाद फिर उसको जहर खिलाया ज़बरदस्ती और उसको घर पे छोड़ के गए रहे, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब वो लड़खड़ा रही थी। बस कॉल की कि भाई इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, तो मम्मी और साथ में पड़ोसी जनों के साथ मिलके उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, और वहाँ पे उसको 2 जगह से रेफ़र किया, और जिला कोई यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए, जहाँ पे उसने 3:30-4 बजे दम तोड़ दिया अपना। लड़की हम घर पर नहीं रहनी, 6 बजे लड़के निकल गई को राम नाम का जान लांडा दुगौली का तहन फोन करके बुलौल आ लड़की के चल लेकर चल गई बा। आ लड़की 2-3 बरस से संग पर रहो, कहीं से हमारा जानकारी ना रहो। ओकरी बाद में ले गई बा घर, तो कहल बड़ी हम इज्जत एगो होला दुगो ना होला, हम रह तो तहरे पर रह, तो का कल दवाई ले आई बा मुँह दाब के, कोनो डीबी में दवाई बा शीशे मुँह दाब के पिया खिया दिल बा, खिया के दुआर पर लेकर चौंपा गई। 6 बजे लड़की घर से निकल गई बड़ी, 10 बजे ले आकर घर को गई बा। हमने बूढ़ा बूढ़ी जो होता नहीं घर, लड़की कहाँ बड़ी कहाँ बड़ी। बिस्मुरा थाना क्षेत्र के चाफराय पट्टी एक गाँव है, वहाँ पे एक लड़की के जहर खाने से एक मौत का मामला आया है, और उसका जो है देखा जा रहा है, तफ्तीश की जा रही है, और उसमें प्रकाश में आया है एक लड़के का जो है जो कि पहले से ही उस लड़की से संबंध थे, और पता जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि उस लड़की का लड़के से पहले से जो संबंध थे उसके द्वारा जो है जहर खाने की समस्या सामने आई है। इसकी तफ्तीश की जा रही है, जाँच की जा रही है, और लड़की घर पर तफ्तीश दी गई है, लड़का इसमें फरार है, तबीश देकर विधिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, इस प्रकार का तहरीर मिला है हमें, हालांकि मामला स्पष्ट नहीं है, अभी इसकी जांच की जा रही है, और तमाम बयानों के आधार पर विधिक कार्रवाई करते हुए जो भी मामला सामने आएगा। कुशीनगर से ये थी टीपू सुल्तान की रिपोर्ट।